17 दिन ग्लेशियर में फंसे 7 JK राइफल के नितिन राणा का शव उनके पैतृक गांव रीट विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर में लाया गया। नितिन के घर पर मातम पसरा हुआ था। 27 साल की उम्र में उन्होंने शहादत को गले लगाया है। किन्नौर में ग्लेशियर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। 17 दिन बाद उनका शव मिला है। नितिन के घर में उनकी माँ, बाप और एक भाई है जिन्हें वे अकेला छोड़कर चले गए। नितिन का भाई निखिल भी सेना में कार्य कर रहा है। निखिल की प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला बधेतर में हुई थी और उसके बाद शहीद मिलाप स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लहाट में उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और बीए विक्रम बत्रा कॉलेज पालमपुर में की। पिता का नाम सुभाष चंद है और वे पेशे से किसान है, जबकि माँ का नाम ललिता देवी है और वो ग्राम पंचायत रीट में सिलाई अध्यापिका है तथा छोटा भाई निखिल राणा सेना में कार्यरत है। निखिल राणा का जन्म 25 दिसंबर 1992 को हुआ था। बेटे के शव को आते देख घर के आंगन में चीख पुकार इस कदर कानों में गूंजने लगी मानो सारा गांव नितिन का इंतजार कर रहा है। सड़क पर बैठे लोग मानो नितिन के आने की राह देख रहे थे। नितिन के चले जाने से एक नहीं बल्कि हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे। सेना के जवानों ने पूरी रस्म के साथ सलामी देकर अंतिम विदाई दी। नितिन को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय विधायक रविंदर धीमान भी मौजूद रहे। सुलह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जीवन पाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक जयसिंहपुर रविंद्र दीवान ने कहा कि वे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार की तरफ से नितिन के परिवार को 4 लाख की आर्थिक मदद देने की बात की गई है। आज हम एक शूरवीर जो पिछले 20 तारीख से सूचना हमें मिली थी कि वो लापता है ग्लेशियर ये एक एवलांच में, काफ़ी मशक्क़त आर्मी अथॉरिटीज़ ने की और पिछले कल 12 बजे के आसपास ये दुखद समाचार मिला कि इस इलाके का इरण वांकरा शहीद हो चुका है। तो आज लगभग 10 बजे के आसपास पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचाया गया और हम सब यहाँ पे आज इस नौजवान साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से ये कामना करता हूँ कि ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को मोक्ष ना हो, ये पुनः इस धरा पर आए, इस धरती पर आए और जिस जज्बे को लेकर ये सेना में गए थे इस अधूरी जिंदगी को पुनः पूरी करें। प्रशासन से मेरे साथ SDM, DSP और बहुत सारे यहाँ के जो लोग अच्छे अच्छे पदों पे हैं वो सब आज इस संस्कार में शामिल हुए हैं। सरकार की तरफ से जो मुझे बताया गया है कि DC किन्नौर की तरफ से, क्योंकि हादसे में ये हादसा इसको माना गया है, तो हादसे में मृत्यु हो जाने पर जो 4 लाख की सहायता राशि मिलती है वो प्रदान की जाएगी। उसके पश्चात मुख्यमंत्री राहत कोष से भी कुछ राशि दी जानी है, तो उसके लिए भी मैं अपनी ओर से भी सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री को करने वाला हूँ। यह हम सब के लिए एक दुखद घटना है।